अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आप सबको जुम्मा मुबारक। इस वक्त मैं मदीना में हूँ, मदीना मुनव्वरा में, और मैं उम्रे के लिए आया था सऊदी। मैं एक्चुअली बहरीन में शो के लिए पहले पहुंचा, उसके बाद फिर उम्रे के लिए आया मक्का, और मक्के से फिर मैं आया मदीना। यूँ कह लें कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ये एक्सपीरियंस था, और ये सफ़र, और यहाँ जो सब कुछ मैंने देखा है और जिस तरह मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स सो हार्ट टचिंग, इट्स सो इम्पैक्टफुल कि मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं पूरी रात, फजर होने के बाद भी, रोशनी होने के बाद भी हरम में बैठा रहता था, और वो जो आपको एक महसूस होता है कि ये वो जगह है जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं है बल्कि मलाइका भी हैं, और पाक रूहें भी हैं, और सारी वो हस्तियाँ हैं जो हमारा मरकज़ है, तो वो फीलिंग ही और होती है। दुनिया से बिल्कुल दिल उठ जाता है और लगता है कि जो हकीकत है वो यही है, और एक अजीब सा आपको एक खिंचाव महसूस होता है इस तरफ। यकीन करें, मुझे वापस आने को मेरे यहाँ से दिल नहीं चाह रहा। आज मेरा आखिरी दिन है मदीना में, मैं ज़्यारतें करके आ रहा हूँ, एंड आई सीरियसली डोंट वांट टू कम बैक, टू गो बैक टू माई कंट्री। इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इसलिए कि ये जगह मुझे इतनी इतना अपनी तरफ बुला रही है, और उस आप सब के लिए दुआ है कि आप भी इस पाक सरजमीन की, उस पाक जगहों की ज़्यारत करें, ज़रूर आएँ, और आपके जो भी दिल में ख्वाहिशात हैं आप अपनी, और बेहतर यही होता है कि हमारी दुनियावी ख्वाहिशें ज़रा कम हों, क्योंकि इवेंचुअली हकीकत यही है कि हमें वापस इन्हीं हस्तियों के तोफ़ैल जिस जहान में जाना है, वो हमारी कोशिश का वसीला बने। मेरा होटल बस आ ही गया है, सो आई द चेक आउट, साइन आउट फ्रॉम, साइन आउट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ये देखिए यहाँ ये पास ही मेरा होटल है। जाते जाते मैं आपको नाथ की तो वो शाह सुना दूँ। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, जो दर्दे बैकग्राउंड में आपको अभी मस्जिद नबवी भी नज़र आई, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, और जो सब कुछ हो रहा है जो हमने तारीख में कभी नहीं देखा, ना सुना और ना अपनी ज़िंदगी में कभी देखा, जो जुल्म, जो ज़्यादती, जो तकलीफ़ जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह इकानमी तबाह बर्बाद हो रही है, जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की को सत्यानाश कर दिया, जहाँ बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अब ये बात करें तो कुछ पता नहीं हमारे अकाउंट बंद हो जाए, हमारे सोशल मीडिया से हमें
उठा दिया जाए, घर से उठा लिया जाए, कुछ भी हो सकता है. सो इट्स सो पेनफुल. बस अल्लाह बेहतर करे और जो भी पाकिस्तान के हक में है वो इस मुल्क में साहिब इख्तदार हो. अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन है, हम शायद ना जानते हो. बस अल्लाह हमारे मुल्क के हक में बेहतर करे. आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ. अल्लाह हाफ़िज़.